हेलो फ्रेंड्स, आज आम ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट विषय जानवा। तो ऑब्जेक्ट आउ कॉम्प्लीमेंट प्रायत आमको समान लगे कि समान नुहे। ऑब्जेक्ट कहले आम कर्म, कॉम्प्लीमेंट कहले परिपूरक। तो ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट कौन कॉम्प्लीमेंट कौन जानवा पूर्व प्रथम आमको भार्ब विषय जानवा निहाती आवश्यक। तो भार्ब को आमर विभिन्न प्रकार भाग कराई, जमी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग भार्ब, ऑक्सिलरी भार्ब बा आमर ये मेन भार्ब। हेल्पिंग भार्ब, ऑक्सिलरी भार्ब आमर समान। से भली आमर आउ गोटे प्रकार आमर भार्ब को गोटे बेस ऑन एक्शन और नॉन एक्शन भार्ब को यही भाव आमर भार्ब को दुई भाग विभक्त कराई। तो गोटे हूँ आमर एक्शन भार्ब, जो आम कार्य कर बुझा पड़े, और आउ गोटे हूँ आमर स्टेटिव भार्ब। गोटे हमारे एक्शन भार्ब, गोटे हूँ स्टेटिव भार्ब। एक्शन भार्ब आमर इतने आम किसी कार्य कर बुझा, जमी इट खाइबा, टेक नेबा, ब्रिंग आने कि काम कर बुझा, कि एम इच आर हेच हेव एपिअर सीम लुक इट इज सी आमर एम इच आर व्वाच वेयर हेव हेच एपिअर सीम लुक्स ये अनेक गुड भार्ब रही। द्वारा आमर कौन सी एक्शन बुझा पड़े ना। तो यदि आम सेन्टेन्स यही सब स्टेटिव भार्ब रही, जदि ऑब्जेक्ट स्थान में अन्य कौन सी भार्ब रही, तो आम जानवा से आम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेन्टेन्स। तो आम प्रेडिकेट पार्ट आम विधेय अंशे आमर एटा कॉम्प्लीमेंटा रही थाए। तो एबे फास्ट आम देखा जे कौटा आम कॉम्प्लीमेंट बा कौटा एक्शन भार्ब स्टेटिव भार्ब से आम देखा। तो फास्ट सेन्टेन्स रही हि इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, हि इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये आम इच इच हूँ आम स्टेटिव भार्ब। इज द्वारा आमर कौन सी क्रिया को बुझा पड़ू ना। तापर आमर नो, आई नो हिम, ए नो मध्य आमर स्टेटिव भार्ब। से भाया पुणी आमर हेच, हेच मध्य स्टेटिव भार्ब, लाइक्स मध्य स्टेटिव भार्ब। किंतु आमर गोज, रेन, आर ईटिंग, ड्रॉप द कार, रिच ये सब हूँ आमर इच, नो, हेच, लाइक्स ये सब हूँ आम स्टेटिव भार्ब। गोज, रेन, आर ईटिंग, ड्रॉप, रिच ये सब हूँ आमर एक्शन भार्ब। तो आमर सेन्टेन्स स्टेटिव भार्ब पर आमर एडजेक्टिव आसे बा आमर कॉम्प्लीमेंट रही है। आम स्टेटिव भाव आम स्टेट को बुझे थे, अवस्था को बुझे थे, पोसेसन को बुझे थे। तो ये आमर हि इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये तरह अवस्था को बुझे आई नो हिम, सी हेच ए ब्यूटीफुल ड्रेस ये तरह अधिकार को बुझे। तो ठीक ये आम स्टेटिव भाव से आम अवस्था स्टेट एवं पोसेसन को बुझे थे। तो कि आम एक्शन भावटा आम किछुरे कार्य करबा को बुझे थे। तो आम भी जानल स्टेटिव भार्ब एक्शन भार्ब विषय। तो आम स्टेटिव भार्ब सब बेले सहित आम एडजेक्टिव नि स्टेटिव भार्ब सहित आम एडजेक्टिव नि आम एक्शन भार्ब सहित आम एडभार्ब नि। एबे आम देखा आम ऑब्जेक्ट कौन। एबे आम देखा ऑब्जेक्ट, आम एक्शन भार्ब सब बेले आम कौन नि आम एडभार्ब नि एक्शन भार्ब रेन फास्ट ये आम एडभार्ब।
और ये हमारे हि लाइक्स इंग्लिश ये हमारे कॉम्प्लीमेंट ये ब्यूटीफुल ड्रेस ये हमार कॉम्प्लीमेंट हम ऑब्जेक्ट कहो को ऑब्जेक्ट हम क्रिया करिया परे जहां ऊपर तरह प्रभाव पड़े सेटा छि हमरो ऑब्जेक्ट एबे हम लिखिबे ऑब्जेक्ट आई गेव ए बुक आई गेव ए बुक मैंने मुझे गोटे बही दिली ये देवार कार्य प्रभाव पड़े आम बुक उपरे पड़े तो यहाँ हम आम ऑब्जेक्ट आम क्वेश्चन भी प्रश्न भी कर ऑब्जेक्ट जानवाप आम व्हाट किंबा हु टू किंबा हुम लगाई प्रश्न कले आंसर जहाँ आसटा हे आम ऑब्जेक्ट तो आम एवं ऑब्जेक्ट हे यार क्वेश्चन आम कौन है व्हाट डिड आई गिव मु कौन दिली आंसर कौन हम आम ए बुक तो ये सेंटेंस ए बुक हमरो ऑब्जेक्ट ठीक से हमरो ही प्रेजेंटेड हर ए रिंग ही प्रेजेंटेड हर ए ही प्रेजेंटेड हर ए रिंग व्हाट डिड ही प्रेजेंट टू हिम हम क्वेश्चन करिबा तब क्वेश्चन हम व्हाट ले प्रश्न कले हमरो आंसर आसीबो हमरो ए रिंग आसीबो आउट हमरो ऑब्जेक्ट आसीबो हमरो हर तो एठी हमरो दीटा ऑब्जेक्ट रहिछि तो हमें कोटा कम हमरो ऑब्जेक्ट मधे दुई प्रकार रहिछि गुटी होछि हमरो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटे हमरो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमरो प्राणी बाचक कौन गोटे आम वस्तु आम व्यक्ति को बुझेद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु तो ये वस्तु ए रिंग तो यहाँ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एटा हे हमरो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमरो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुड़ी हमरो आउ भी कन्फ्यूजन रही छे रहबो आ गोटे हम सेंटेंस लिखो छे आई एम ए बॉय एटु जे हमरो एटा सब्जेक्ट वर्ब एटा कोन एटा हमर ऑब्जेक्ट ना कॉम्प्लीमेंट एटा ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट कोटा एटा हम हमर कॉम्प्लीमेंट एटा हमर हो कॉम्प्लीमेंट कहीं कि आम क्वेश्चन करवा हमर व्हाट उत्तर आसबे ने ए बॉयटा हेछि हमर सब्जेक्ट विषय कह छी तो यहाँ हम यहाँ ऑब्जेक्ट हम हम नहीं हम आम कॉम्प्लीमेंट ये बॉय हूँ आम आई ये दीटा गोटे तो यहाँ को आम कहीपर पुणी आम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोली कहींपर आम आउ गोटे सेन्टेन्स नहीं पारा आउ कत एग्जांपल
राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। और एक एग्जांपल राम हेल्प मी, से गोटे भल पिला तेणु से मते साहय कला, हि हेल्प मी, राम हेल्प मी। तो ये सब्जेक्ट राम, भार्ब एटा भी भार्ब, ये गुड बॉय एटा कौन, ये आमर ये गुड बॉयटा हूँ आमर राम विषय कहचे, किंतु ये आमर मी अलग जड़े आ राम मध्य जड़े अलग। आम ऑब्जेक्ट जानवाप कौन कौन कही आम हुम और हु टू किंबा व्हाट लगे प्रश्न करवा, तापर उत्तर जहाँ मिलिबो सेटा हेबो आमर कौन आमर ऑब्जेक्ट। तो आम राम क्या साहय कला, राम मत साय कला क्या आम टू हुम आम हुम टू हु टू लगे प्रश्न कलापर आम ऑब्जेक्ट हूँ आम मी, तेणु यहाँ आम ऑब्जेक्ट आम क्या लगे प्रश्न कला उत्तर मिली, किंतु आम राम लगे आम प्रश्न कले तार गोटे अवस्था को हिस गए भल पिला तार अवस्था को बहुत, तेणु ये गुड बाय हूँ आम कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। पुणी ये कॉम्प्लीमेंट आम सब्जेक्ट विषय कहचे, सब्जेक्ट विषय कहचे, तेणु ये आम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आटा कि आम राम अलग जड़े मी मध्य जड़े अलग। Okay.